उत्तराखंड में लापता लोगों की संख्या को लेकर मचा बवाल। यूएन की रिपोर्ट का आंकड़ा 11,000 के पार, जबकि सीएम बहुगुणा का दावा, महज 3,000 है लापता। तबाही के बाद ट्विटर पर सियासी सैलाब, सुषमा की बहुगुणा सरकार को बर्खास्त करने की मांग पर मनीष तिवारी का पलटवार, कहा विपक्ष के नेता को उत्तराखंड जाने की फुर्सत नहीं। पेट्रोल के बाद डीजल में लगी आग, 50 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ डीजल, माल ढुलाई महंगी होने से पड़ेगी महंगाई की मार। जामिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नजीब जंग दिल्ली के नए उपराज्यपाल नियुक्त, तेजेंद्र खन्ना की जगह संभालेंगे पद। दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर के पॉल बने मेघालय के गवर्नर।